बेतवा के बाड़वाले श्री गणेश मंदिर के पास रंगई पर पर्यटन विभाग द्वारा 4000 वर्ग फीट का एक और घाट बनाया जाएगा। इस निर्माण कार्य का वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन ने आज भूमि पूजन किया। केशवाय नमः, राणा नमः, माधवाय नमः, अष्टक्षालं पश्यामि, नमो नमः, शिवं पश्यामि, ओम भूर्भुवस्वः सर्वशक्तिर्वन्नं भूर्भुवस्वः। चल लिया नदी ले आओ ला सत्य लाए प्रदेश पर्यटन विकास निगम में कार्यपालन यंत्री के पद पर हूँ। रंगई घाट के विकास कार्य का मध्य प्रदेश राज्य शासन से राशि सैंक्शन हुई है, जिसमें अभी 1,22,00,000 रुपए का टेंडर हमने लगाया है। इसके अंतर्गत घाट का विस्तार कार्य है, इसमें लाल पत्थरों से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कितने क्षेत्र में किया जाएगा ये? करीब अभी 15 मीटर इसकी लंबाई और बढ़ेगी इस घाट की, तो ये उपयोगी भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और जो अधूरा घाट अभी पड़ा हुआ है यहाँ पर किसी समय में बना था, इसको भी मंदिर पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदिशा शहर का ये तीर्थ स्थल अब छोटा लगने लगा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक्सटेंशन करने का पुनित कार्य किया है और आज उसका भूमि पूजन घाट यहाँ 4000 स्क्वायर फीट बढ़ाया जा रहा है। घाट के निर्माण के साथ साथ लगातार अधिक बारिश के कारण कई बार वेत्रवती मैया रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, उसके कारण कटाव यहाँ पर होता है, तो वो कटाव भी रुक जाए, पिचिंग का कार्य ठीक से हो जाए, एक मंच यहाँ पर बन जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदिशा शहर में अनेक विकास कार्य किए हैं, मगर सबसे पुनित कार्य किया है तो माँ बेत्रवती के इस तट पर घाट निर्माण और मंदिर निर्माण का कार्य आदरणीय भाभी श्रीमती साधना सिंह जी चौहान द्वारा कराया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भाभी जी को, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को, जिन्होंने विदिशा शहर के धार्मिक श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर एक्सटेंशन कर इस घाट को बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की ओर से उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान श्री गणेश जी का ये स्थान निश्चित रूप से विदिशा शहर के श्रद्धालु जिस हिसाब से आते हैं कम पड़ने लगा था, और इसके एक्सटेंशन होने के बाद में मुझे लगता है कि जगह काफ़ी